तो यार कैसे हैं आप लोग, स्वागत है आप सभी का एक ब्रांड न्यू वीडियो में। एंड यार अपडेट का मौसम चल रहा है और मिड मंथ अपडेट पे मिड मंथ अपडेट आ रहे हैं, अपडेट्स पे अपडेट आ रहे हैं, हाई देयर हंटर ऑन हाई मैसेज पॉपअप हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है गेम में भी। तो चलिए चलते बात करते हैं आज के एक ब्रांड न्यू स्नीक पीक की जो कि आ चुका है रिगार्डिंग द मिड मंथ अपडेट। एंड दिस वन इज प्रोबेबली गोइंग टू बी द लास्ट स्नीक पीक जो कि हमें देखने को मिलता है बिफोर द अपडेट कम्स, ठीक है। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:24, तो 6 मिनट में प्रॉबली अपडेट डिटेल्स आ जाएगा, तो उस पर भी हम नजर डालेंगे। अगर नहीं आता है तो बाद में जब आता है तब नजर डालेंगे, बट अभी हम स्नीक पीक पर नजर डालेंगे। तो बहुत नजर डालना है, बहुत कुछ देखना है, तो चलिए चलते हैं फॉरम को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हम स्नीक पीक पोस्ट को ओपन कर लेते हैं ताकि हम देख पाए स्नीक पीक पोस्ट क्या है। ओके, सबसे पहले यहाँ पे आप सभी को एक चीज बताना चाहूंगा कि हमें जिस जिस चीज़ों की कमी लग रही थी गेम में और जो जो अपडेट हम मांग रहे थे कि डेव्स हमें प्रोवाइड कर दे, वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं और अब वो आ रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तो होता थैनोस का एक ब्रांड न्यू यूनिफॉर्म, फिर था एक अल्ट्रॉन का यूनिफॉर्म। तो या काइंड ऑफ गुड डिलेमा हियर, लाइक वो सभी चीज़ें हमें मिल रहा है, काफ़ी देरी बाद ये फॉरम का पोस्ट लोड हुआ है, तो आई डोंट नो व्हाट वाज गोइंग ऑन देयर, बट ठीक है। चलिए चलते हैं यहाँ पे हम स्नीक पीक को ओपन कर लेते हैं और स्नीक पीक पर सबसे पहले नजर डालते हैं। तो फरवरी अपडेट स्नीक पीक #6 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दिस इज द CM फ्रेगमेंट ऑफ मार्वल फ्यूचर फाइट, वॉट इफ द एवेंजर्स वर अनेबल टू डिफीट द अल्टीमेट AI, द अल्टीमेट AI विच इज ऑब्वियसली अल्ट्रॉन। तो ये रेफरेंस है एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी के तरफ। अगर एवेंजर्स हरा नहीं पाते अल्ट्रॉन को, विच इज द अल्टीमेट AI, तो क्या होता, तो वो होता है ये वाला अल्ट्रॉन। ओके, दिस वुड हैव बीन द रिजल्ट। ये वॉट इफ सीरीज जो है उसके थ्रू इसके रेफरेंस लेके बनाया गया। इसे इन्फिनिटी स्टोन्स गैदर कर लेता अल्ट्रॉन एंड इन्फिनिटी अल्ट्रॉन बन जाता है, जो कि हमने नए वर्ल्ड वॉर्स लेजेंड के थ्रू देख लिया है और काफी जबरदस्त है ये। चेक आउट द न्यू लुक ऑफ दिस मल्टीवर्सल थ्रेट इंस्पायर्ड बाय मार्वल स्टूडियोज व्हाट इफ, वी विल अनाउंस द डिटेल्स टू द पैच डिटेल्स टू कम। तो ऑब्वियसली सबसे पहला चीज जो हमारे दिमाग में आता है, क्योंकि यूनिफॉर्म हमें पता था कि यूनिफॉर्म मिलने वाला है, इसे क्या इसे Tier 3 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ओके, बट मोस्ट ऑफ द पीपल वर हिंटिंग टुवर्ड्स और लेट जस्ट से इंक्लाइंड टुवर्ड्स कि इसे Tier 3 मिलेगा, बिकॉज जितने भी वर्ल्ड बॉस लेजेंड हमारे पास गेम में है, दे आर इन वन वे और द अदर Tier 3, राइट, क्योंकि वो दोनों नेटिव Tier 3 आए थे। अब अल्ट्रॉन हमारे पास पहले से कैरेक्टर था एग्जिस्टिंग, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक और थ्योरी निकली थी कि नेटिव Tier 3 अल्ट्रॉन आएगा, बट सिंस उसका बायोज हमें अल्ट्रॉन के वर्ल्ड बॉस लेजेंड से नहीं मिल रहा है, तो दैट टोल्ड अस कि यस इट इज गोइंग टू बी अ यूनिफॉर्म, और अगर आता है तो मे बी Tier 3 लेके आएगा। तो चल चलते स्नीक पीक को प्ले कर लेते और देखते कि इसे Tier 3 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो हियर वी गो। ओके, लेट मी जस्ट गिव इट द वॉल्यूम। ओके, काफी ओके, तो काफी सिंपल टाइप ऑफ स्नीक पीक था। तो यहाँ पे मुझे पता नहीं स्क्रीन फुल स्क्रीन में क्यों नहीं आ रही है, एक बार फिर से देखते हैं। ओके, लेट्स प्ले इट, अब देखते हैं। ओके, आई वुड लाइक टू जस्ट पॉज इट हियर 1 मिनट। ओके, यहाँ पे मैं कुछ दिखाना चाहूंगा, तो HD मम लोड कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो जहाँ पे अल्ट्रॉन का लेफ्ट आर्म है, लेफ्ट आर्म यानी कि मिरर है ये, एक हाथ में उसके पास एक वेपन है और दूसरे हाथ में जो कि हमारे राइट साइड में, वहां पे आप देखोगे तो क्रैक में T3 लिखा हुआ है, तो दैट इज हिंटिंग टुवर्ड्स दैट अल्ट्रॉन को Tier 3 मिल रहा है। तो दिस इज अ कंफर्मेशन कि इन्फिनिटी अल्ट्रॉन आ रहा है और साथ में Tier 3 ला रहा है, तो ये काफी जबरदस्त चीज है और काफी एक्साइटेड हूं मैं इसको लेकर। ओके, तो एक बार मैं चलिए एक बार होम पेज को दबा देता हूँ, लेट्स जस्ट सी कि अपडेट डिटेल्स आया है कि नहीं आया है। मे भी आ चुका होगा, बिकॉज अगर आप देख सकते हैं, अच्छा अभी भी 2 मिनट बाकी है। ओके, कर लो भाई कर लो, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आप अल्ट्रॉन पे चलते हैं। तो आप देख सकते हैं अल्ट्रॉन के पास 3 यूनिफॉर्म है, काफ़ी खराब यूनिफॉर्म्स थे सभी, नेवर वॉज दीज यूनिफॉर्म्स गुड, और अल्ट्रॉन को फाइनली उसका टाइम मिल चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले अल्ट्रॉन को मैं लेवल 70 करना चाहूँगा ताकि हम इसे Tier 3 कर सके जैसे ही आता है। सबसे पहले वन थिंग आई एम गोना डू इज आई एम गोना यूज लेवल 6 पोटेंशियल एनहांस टिकट। अब ये मैं यूज़ क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इवेंचुअली किसी ना किसी कैरेक्टर पे तो यूज़ करना ही है, राइट। अब अल्ट्रॉन को Tier 3 करना ये हमें भी पता है, आपको भी पता है, तो लेट्स जस्ट डू इट, राइट, बिकॉज अल्ट्रॉन को Tier 3 करना ही पड़ेगा इवेंचुअली। सो आई गॉट हिम टू Tier ऑलमोस्ट रेडी टू गेट हिम रेडी। तो यहाँ पे हम कुछ अपग्रेड्स कर लेते हैं अल्ट्रॉन में। तो एक अच्छा चीज़ है कि एक और यूनिवर्सल सुपर विलन आ चुका है, राइट, विच इज़ अ गुड थिंग इन माई ओपिनियन। बट यूनिवर्सल सुपर विलन्स की उतनी रिक्वायरमेंट है नहीं हमारे पास गेम में कहीं पे भी, तो आई एम नॉट सो श्योर कि इट्स अ गुड थिंग और अ बैड थिंग। तो आई एस इट सेट भी बना लेते हैं, लेट्स जस्ट सी क्या आता है। बट आई एम रियली एक्साइटेड फॉर इन्फिनिटी अल्ट्रॉन, राइट, वॉट इफ अल्ट्रॉन।
क्योंकि जहां तक नल और मेफिस्टो की हम बात करें, जो कि ऑब्वियसली वर्ल्ड बॉस लेजेंड है हमारे पास एग्जिस्टिंग, क्योंकि उन्हीं के साथ हम अल्ट्रॉन को कंपेयर करेंगे, आई थिंक ही इज गोइंग टू बी प्रिटी गुड, राइट? इवन नेटिव टियर 3 इसको कॉम्पिटिशन देगा बिकॉज दिस इज द लेटेस्ट यूनिफॉर्म एंड टियर 3 जो कि हमें मिल रहा है, और साथ में जो एग्जिस्टिंग टियर 3s है, नेटिव टियर 2 टियर 3s है, उनको भी काफ़ी अच्छा कॉम्पिटिशन देगा. तो यहाँ पर मैं उरूज भी इक्विप, मतलब आईएसओइड्स भी इक्विप कर ही देता हूँ. मेरे पास ज़्यादा यार केओटिक आईएसओइड नहीं रहते, आई डोंट नो वाई, बिकॉज मे बी दे आर स्केयर्स, राइट? गेम में काफ़ी कम मिलता है हमें. इन्हें बनाना चाहिए यार ऐसा कुछ कि ज़्यादा आईएसओइड मिल सके. इतने सालों तक खेलने के बाद भी अभी भी आईएसओइड की मंदी चलती है, तो बोलो ये अच्छा बात तो नहीं है, बट ठीक है, कोई इशू नहीं है, उतना बड़ा इशू नहीं है, मैं इशू नहीं बनाऊंगा इस बात का. तो लेट जस्ट अपग्रेड हिज स्किल्स एज वेल, बिकॉज ऑब्वियसली वी वॉन्ट टू टेस्ट हिज यूनिफॉर्म एज सून एज वी गेट इट. ओके, अब यहाँ पे मेरे पास भी एक डिलेमा है कि मेरे पास क्रिस्टल्स कम है अभी, तो आई एम नॉट सो श्योर कि मैं अल्ट्रॉन का यूनिफॉर्म पिक करूंगा कि थैनोस का करूंगा, बिकॉज थैनोस मेरे पास पहले से अपग्रेडेड है. मैं अगर अल्ट्रॉन की बात करें तो मुझे इसे टियर 3 तक अपग्रेड करना पड़ेगा, राइट? तो विच इज गोइंग टू बी अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम फॉर मी, राइट? तो यहाँ पे यूनिफॉर्म ऑप्शन चेंज कर लेते हैं, लेट्स सेट इट टू क्रिट रेट. आई डोंट नो व्हाई मैंने क्रिट रेट चूज किया, बट आई जस्ट डिड. ओके, क्रिट डैमेज करता तो हो जाता, बट ठीक है, क्रिट रेट आ गया है. ओके, तो अब देखेंगे कैसा रहता है ये यूनिफॉर्म. ऑब्वियसली आई एम रियली एक्साइटेड, बट चलिए एक बार फिर से फॉरम को चेक कर लेते हैं कि अपडेट डिटेल्स अगर आ गए हो तो यहाँ पे साथ में अपडेट डिटेल्स पर भी वीडियो में बना लूंगा. ओके, तो अपडेट डिटेल्स तो नहीं है यार, सिर्फ स्नीक पीक है, स्नीक पीक से ही काम चलाना पड़ेगा अभी के लिए. तो या गाइस, अल्ट्रॉन को मिल रहा है टियर 3 और एक नया यूनिफॉर्म. तो इस अपडेट का समरी रहेगा, थैनोस को मिल रहा है एक यूनिफॉर्म विच इज गोइंग टू बी 1500 क्रिस्टल्स ऑन 40% डिस्काउंट. ठीक है, 50% डिस्काउंट नहीं है, 40% डिस्काउंट आएगा. तो 1500 क्रिस्टल्स विच इज अ लॉट फॉर दिस पर्पल हेड. ठीक है, यहाँ पे मेरे पास अल्ट्रॉन काफी अच्छा अपग्रेड है, तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू बी ऑब्वियसली गेटिंग हिज यूनिफॉर्म, नो डाउट अबाउट इट. और वहीं दूसरा यूनिफॉर्म जो कि आ रहा है वो होगा अल्ट्रॉन, और साथ में इसे मिलने वाला है टियर 3. तो डेफिनेटली गियर्स को अपग्रेड करने के लिए रेडी रहिए, टियर 3 मटीरियल्स को वेस्ट करने के लिए रेडी रहिए, बिकॉज येस इट इज गोइंग टू कॉस्ट यू अ लॉट. सो या विद दैट मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहूंगा, ज्यादा स्ट्रेच नहीं करूंगा. और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप चैनल पे नए हो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बिकॉज मैं क्रिस्टल कूपन गिव अवे कर रहा हूँ ताकि आप यूनिफॉर्म परचेस कर सको. और या मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, टेक केयर, शाओइला, बाय. Goku! Son Goku!